सरकार भले ही आम जनता की सुरक्षा को लेकर तमाम पहल कर रही हो, लेकिन अपराधियों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। बलिया के बासडीही रोड थाना क्षेत्र के रामपुर गांव की है, जहां हथियारों के दम पर पशु चोरी करने आए आधा दर्जन बदमाशों ने चोरी में विफल होने पर परिवार के लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दो लोग घायल हो गए। फायरिंग के दौरान चोरों ने गांव में जमकर बवाल मचाया। पशु चोर आए थे, उन्होंने उनके गाय खोलने का प्रयास किया, इसी बीच वो जग गए तो एक वहाँ था, उसको दौड़ा उन्होंने पकड़ लिया, उसमें उनकी उसे चोर से गुत्थम गुत्था हुई। उसके बगल में उनका मुर्गी फार्म था, तो दो चोर वहाँ खड़े थे, वहाँ से वो लोग आ गए तो उनके सर में उन्होंने डंडा मार दिया। जब वो चिल्लाए तो उनके दो लड़के भी थे वहाँ पे, दोनों लड़के बड़े हैं और वो लड़के दोनों जग गए। वो लड़के आए तो उन्होंने उन लोगों को दौड़ाया, फिर दौड़ाया तो एक चोर को जो उनसे गुत्थम गुत्था था उसके पैर में लाठी मारी, उसका पैर भी टूट गया, लंगड़ाते हुए भागा था। दो और थे तो उन्होंने जाके थोड़ी दूर पर जाके उन्हें जैसा बताया जा रहा है 12 बोर के तमंचे फायर किया, जिसमें एक एक छर्रा उनके दोनों लड़कों का सीएम और सत्यम को लगा हुआ है। वहीं इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट।